कल्याणपुर सूर्य मंदिर परिसर के पास मैं पहुंचा हूं, और अब देख पीछे की तस्वीर में मैं देखा अभी भी दिखा रहा हूं, चारों तरफ आग आग और धुआं की लपटें दिखाई दे रही है। हालांकि सूर्य मंदिर के करीब से आग जब गुजरी तो यहां बाल्टी से बुझाने का प्रयास किया गया। हमारे यहां पूर्व मुखिया मृत्युंजय जी जुड़ रहे हैं और पूछते हैं मुखिया जी, जो अगलगी की घटना घट रही है, काफी नुकसान हो रहा है किसानों का इसमें? बिल्कुल नुकसान हो रहा है इसमें, और इसमें सरासर गलती जो है बिजली विभाग की है। उनका जो तार वार जो है उसका सिस्टम बड़ा ही खराब है, बहुत लूज है। जब भी हवाएं चलती है आपस में टकराती है, और टकरा करके उससे चिंगारियां जो निकलती है उससे आग पकड़ता है। ठीक है, हमारे यहाँ गेहूँ जल कट चुका था, लेकिन उसके साथ अरहर की खेती है, प्लस किसानों का जो चारा रखा हुआ था वो सारे के सारे पूरे मतलब कि 200-300 बीघे में आज चला हुआ है। कई खलिहाने थे वो सारे सब जल चुके हैं। मवेशियों हमारा भोजन तो मिल जाएगा, मवेशी का भोजन कहाँ से मिलेगा, वो जल गया। और ये सारा का सारा लापरवाही जो है टोटल बिजली विभाग की है। बिल के लिए कलेजे पर चढ़ करके किसानों से और घर वालों से बिल उगाही करते हैं, मगर जहाँ तक वायर को दुरुस्त करने की बात होती है कोई भी उसके ये नहीं लेता, मेंटेनेंस जीरो है। कब कौन सा तार गिरेगा, कहाँ आग लगेगी, इसका कोई गारंटी नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य मंदिर के पुजारी के साथ इस एरिया में पूरे बिहार में हम एप्पल का पेड़ लगाए थे, कितने सबक से उजल गया, कड़ी पत्ता जल गया, सब जल गया। ये सारी जितने भी गलतियां सब बिजली विभाग का गलती है। बाल्टी से तो आग रूम में चौकी जल गया, सब तो जल गया। और अभी जो है फोन किया जा रहा बिजली विभाग में तो 33,000 तार बना रहे, जब भी पत्ती आ रहा तो तार बना रहे हैं, तार जोड़ रहे हैं। लाइन कखने दीजिएगा भैया, पानी पटाया जाता ना, अगर लाइन रहता तो पानी पटाया जाता, यहाँ कोई साधन है नहीं। और बल्टी से ताल ताल के कितने देखे नहीं, चार पांच लोग लगे हुए, सब जल गया, पाइप जल गया, बहुत कुछ जल गया, बहुत सा क्षति हुआ। और ये जो है ना गवर्नमेंट कुछ करती है के ऊपर बिजली विभाग पर, ना बिजली विभाग कुछ करता है। और जब पैसा लेना होगा तो पूरा गाँव घुमाने लगेगा आदमी। बिजली विभाग के लोग डराने का भी काम करते हैं, लेकिन अभी जो अगलगी घटना होती है उसमें कहीं दिखता नहीं है। अभी एक आदमी बिजली विभाग के एक भी अधिकारी नहीं आएगा यहाँ देखने की यहाँ क्या विपत्ति चल रहा है। उसके पास लाखों फोन जा रहा है भाई, आएगा नहीं अभी बताइए तो। अभी हम लोग फोन किए तो करेंगे 33,000 तार जुड़वा रहे हैं, दुख है 33,000 तार जुड़वाने के लिए। 33,000-34,000 दो दिन चार दिन पहले कहा, ठंडा में कहाँ रहता है, सब ठंडा में नहीं जुड़वाता है, सब इसका तार जो है लूज है। कहीं देखिएगा 11,000 रहते हैं जगह मोटराइल है, ऐसे तार रहता है। अरे आप पैसा ले रहे हैं पब्लिक से तो अपना तार सुधारिए, बहुत लापरवाही है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इधर आइएगा, आप लोग भी किसान हैं, बड़ा नुकसान हुआ इस अगले। मैं कहना यह है कि बिजली विभाग के साथ साथ में यहाँ स्थानीय प्रशासन जो है अंचल अधिकारी या थाना से इस तरह का हमारे इलाके में किसी तरह किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कोई सहयोग नहीं कराया जाता है, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी नहीं ब्लॉक से अभी तक कुछ हमको राहत पहुंच पाया और नहीं कहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा सहयोग किया गया। उसके लिए आवेदन देना होता है, आवेदन दीजिएगा तब ना क्षतिपूर्ति का आकलन होगा। नहीं, क्षतिपूर्ति तो आकलन बाद में, आपदा के तहत तो सबसे पहले आपको आग बुझाने का व्यवस्था कराना। हाँ, ये चीज होना चाहिए। क्षतिपूर्ति तो प्रशासन बाद में अपना एक्वायर करेगा कि कितना कितना जमीन का आकलन करके कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले तो आप अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। सबसे पहले तो आपका काम है बचाव का, जो आप सही समय से नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण हम लोग को भारी खमियाजा नुकसान उठाना पड़ता है। एक एक किसान का नुकसान हुआ है, किसी का फसल जला, किसी का बोरा में कसा हुआ गेहूं जला, फूल बेचारा का जल, देखिए काटा हुआ अरहर का बोझा जल चुका है, चना जल गया, फूल की खेती की हुई थी ये जल गया, चारा जल गया, चौकी जल गया, मोटर जल गए, कितने लोगों का जो पंप लगा हुआ पंप वो जल गए, पंप के साथ डिलीवरी पाइप था वो जल गया। ये सब नुकसान के आकलन तो अधिकारियों को तो देखना ही होगा। आकलन अधिकारी आकर के करें, लेकिन बचाव तो होगा ना भाई, कल सिर्फ आकलन नहीं होगा, क्यों करना पड़ेगा, बचाव ही पहले कर ले ताकि किसी तरह का कम से कम नुकसान होगा, लेकिन कम नुकसान होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मरम्मतीकरण अगर तारों का हो जाए तरीके से सलीके से तो नुकसान जीरो कम होगा। थैंक यू मृत्युंजय जी, मेरे साथ आज पकड़ लिया है, पूरा आज पकड़ा है, देखिए सुबह से जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ कोई
देखने वाला नहीं, कोई माई बाप नहीं। सुबह से मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, बस यही है, चारों तरफ आग की लपट, धुआं और लोग परेशान, और सुविधा नहीं है तो लोग हाथ पे हाथ धरे हैं, क्या करेंगे, बाल्टी से इस आग को बुझाना संभव नहीं है। थैंक यू आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए।